हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज अपनी वर्ड्स वर्ड का एक और चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 14। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके अलावा उसके बाद हमारी सिर्फ एक पोएम रह जाती है। ये लास्ट चैप्टर है द क्रिसमस ट्रूथ, इसको देखते हैं। पहले इसकी समरी को समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को आगे देखेंगे। द चैप्टर क्रिसमस ट्रूथ टेल्स अ स्टोरी ऑफ द क्रिसमस ईव ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसके उस टाइम पर। ये क्रिसमस ईव को जो है एक्सप्रेस कर रहा है कि उस समय की स्टोरी को हमें बताता है। व्हेन सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटिश एंड जर्मन साइड टेम्पररी स्टॉप फाइटिंग एंड सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल टुगेदर। जब क्या हुआ था, जब क्रिसमस ईव था, मतलब क्रिसमस से पहले क्रिसमस की जो इवनिंग होती है उसे हम क्रिसमस ईव कहते हैं। उस समय क्या, ब्रिटिश और जर्मन दोनों सोल्जर्स ने लड़ना छोड़कर फेस्टिवल को साथ साथ सेलिब्रेट किया था। ये चैप्टर जो है नरेटेड किया गया थ्रू आईज ऑफ अ शोल्डर, एक शोल्डर ने खुद से देखा था, इसका नाम टॉम है, ठीक है। हु राइट्स अ लेटर टू हिज सिस्टर डिस्क्राइबिंग ऑफ द इवेंट ऑफ द डे, अपनी सिस्टर को लेटर लिख के बताता है कि कैसे हम लोगों ने लड़ना बंद किया, कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके बारे में चैप्टर पूरा डिस्क्राइब वो करता है, लेटर लिखता है, लेटर डिस्क्राइब करता है। टॉम डिस्क्राइब हाउ द कंडीशन ऑफ द बैटल फील्ड वर टेरेबल, कैसे जो बैटल फील्ड की कंडीशन थी वो टेरेबल थी, विद द सोल्जर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन द फियर ऑफ डेथ। British and German sides were not fighting seriously, but and both feared being attacked. However, लेकिन दोनों को डर था कि अटैक हो सकता है। और on that Christmas evening, Christmas evening पे something extraordinary happened. कुछ बिल्कुल extraordinary हुआ। Tom suddenly wakes up at night and see the beautiful sight in the distance. उन्हें देखा कुछ दूरी पे बहुत beautiful sights हो रही हैं। Cluster of tiny lights, जो बहुत छोटे-छोटे light के clusters हो रखे हैं, shining all along the German lines. German lines वो पूरी तरह से चमक रहे थे। These were a Christmas tree. Christmas trees are lit by the candle or the lantern, जिन्हें candles और lantern से मिलके जर्मन को से lit किया गया था, सजाया गया था, जलाया गया था। And the German soldier had placed them in front of their trench, और अपने 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 ट्रेंचेस के सामने वो खड़े हुए थे। उसके बाद वो बताता है, soon the German soldier started singing Christmas carols, उन्होंने Christmas carols यानी Christmas पे सॉन्ग गाए जाते हैं, वो गाना स्टार्ट किया। British soldier joined in, British soldiers ने उनको ज्वाइन किया। And soon the two sides meet one no man's land and shook hand with each other, दोनों के दोनों क्या हुआ, मिलने लगे no man's land पे। No man's land क्या होता है, बेसिकली जैसे मान के चलो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर के बीच की जो दूरी होगी, मतलब जो बीच में जो जमीन रह जाएगी, उसको हम बोलेंगे नो मैन्स लैंड। उस पे ना तो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ सकता है, ना हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई जा सकता है, उसको हम बोलते हैं नो मैन्स लैंड। तो वहां दोनों बॉर्डर्स पे जो दोनों सोल्जर्स थे नो मैन्स लैंड पे आए, उन्होंने अपने एक दूसरे से हाथ में लाए। द ऑफिस On both sides decided, जो officers थे दोनों sides के, उन्होंने decide किया to stop fighting for few hours, कुछ घंटों के लिए लड़ना बंद करेंगे। And the soldiers exchanged gift and sang more songs, उन्होंने अपने gifts को exchange किया, बहुत सारे songs को गाया साथ साथ। Even making plans, उन्होंने plans बनाए to play football match together, कि साथ साथ जो है football match साथ में खेलेंगे। टॉम जो यहाँ पर डिस्क्राइब करता है द इंटरेक्शन बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर, जो जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था उसको डिस्क्राइब करता है। वाज फ्रेंडली एंड हाउ द सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से जो सोल्जर्स थे मिंगल्ड हैप्पीली अराउंड द बॉनफायर, जो बॉनफायर हो रखा था उसके अराउंड वो लोग मतलब मिंगल मिले थे, एक्सचेंजिंग स्टोरीज अबाउट देयर फैमिली, अपनी फैमिली की स्टोरीज को वो जो है शेयर कर रहे थे। आफ्टर रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड, कैसे जो है सोल्जर दोनों साइड से रिफ्लेक्ट करते हैं, मोर इन कॉमन देन the differences, how the Christmas truce brought them together, कैसे Christmas जो truce था उनको दोनों को साथ में ले आया। In the end, Tom expressed his wish that the war would soon end and they could all return home to their family. वो चाहता है कि जल्दी से वॉर खत्म हो जाए, वो सब लोग अपने अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाएं। The story is a reminder of the power of unity. ये जो particular poem है, वो हमें इसकी हम theme बोल सकते हैं, the power of unity. Unity की power को show करता है, compensation कंपैशन को करता है, एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, और स्पिरिट जो क्रिसमस की जो स्पिरिट है उसको बताता है ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, जो लोगों को साथ साथ लेके आती है, कोई भी फेस्टिवल है लोगों को साथ में लेके आता है। इवन इन द मिडस्ट ऑफ द मोस्ट रिचुअल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बहुत रिचुअल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बीच में भी जो लोगों को जो है एक साथ में ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो दोनों लोग मिला रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, लेकिन बेसिकली हम इंडिया में है तो अगर ईद है, अरे यार हमारी थोड़ी ना ईद है, कोई कहता है होली तो हमारी थोड़ी ना ईद है, लेकिन वहां पर क्या था, क्रिसमस जो है एक मतलब दोनों साइड से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, दोनों जो सोल्जर्स है वो क्रिसमस को मनाते थे। मान के चलो कि ईद है और दोनों साइड मुसलमान हैं, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं और ईद का टाइम आ गया, तो क्या होगा, वो आपस में गले लेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही फेस्टिवल है। मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारा रिलीजन है हमें साथ में भी लेके आता है। अब आगे हम बात करते हैं,
अरेंज दिस सेंटेंस इन ऑर्डर टू विच द एक्शन टुक प्लेस, हमें इनको अरेंज करना है। अब मैंने इनके आंसर्स को डायरेक्टली लगाया हुआ है, जिससे जो है यहाँ पे अगर मैं आपको हाफ ऑफ करता तो आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी होती, तो फटाफट से मैंने इसके आंसर्स लिख दिए, तो आंसर्स आप मैच कर सकते हो। पहला होगा टॉम सडनली वेक्स अप नाइट एंड सीज द ब्यूटीफुल साइट इन द डिस्टेंस। सेकंड हो जाएगा जर्मन सोल्जर हैड प्लेस क्रिसमस ट्री इन फ्रंट ऑफ देयर ट्रेंच लिट बाय कैंडल और लैंटर्न। थर्ड हो जाएगा टू जर्मन क्रॉसेस नो मैन्स लैंड एंड कम ओवर द अप अनप्रोटेक्टेड। एंड फोर्थ हो जाएगा जर्मन सोल्जर स्टार्ट सिंगिंग क्रिसमस कैरोल्स। फिफ्थ हो जाएगा क्रिसमस सोल्जर्स ज्वाइन देम इन द सिंगिंग द कैरोल्स। सिक्स होगा दे मिंगल्स हैप्पीली ईच अदर राउंड्स एंड बॉनफायर एक्सचेंज स्टोरी अबाउट देयर फैमिलीज। सेवेंथ होगा द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर मीट नो मैन्स लैंड एंड शेक हैंड विद ईच अदर। एट्थ हो जाएगा द ऑफिसर्स डिसाइड टू स्टॉप द फाइटिंग फॉर अ फ्यू आवर्स। एंड नाइन्थ होगा दे कैन एक्सचेंज गिफ्ट एंड सिंग मोर सॉन्ग्स टूगेदर विद प्रॉमिस टू मीट द डे आफ्टर। एंड टेंथ हो जाएगा हमारा दे आर ऑल्सो सम प्लान्स टू प्ले फुटबॉल मैच टूगेदर। इसके बाद हमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब भैया रीड दीज लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आई कैन नेवर होप टू सी द स्ट्रेंजर एंड मोर लवली साइट क्लस्टर ऑफ टिनी लाइट्स वर शाइनिंग ऑल अलोंग द जर्मन लाइन। इसके बेसिस पर पहले हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एबीसीडी। पहला क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द स्पीकर व्हाट इज ही डूइंग देयर। The speaker is Tom and he is the British trans during the World War First. Second question is, who bought him seat the site? What had the speaker been doing? No one brought Tom to see the sight. He woke up suddenly at night and saw the cluster of tiny lights in the distance. At that time, he was sleeping in the British trench. Third question is, what were the cluster of the tiny Like the cluster of tiny lights were the Christmas tree lit by the candle and lanterns placed by German soldier in front of their trenches. And DMR, what did the Germans do next? The German started singing Christmas carols after they lit the Christmas tree. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बिफोर लॉन्ग अ बॉनफायर वाज बिल्ट एंड अराउंड इट वी मिंगल्ड ब्रिटिश खाकी एंड द जर्मन ग्रे। ओनली अ कपल ऑफ द मैन न्यू जर्मन बट मोर ऑफ द जर्मन्स न्यू इंग्लिश। यहाँ पे क्या था पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पूछा जा रहा है व्हाट डज द स्पीकर रेफर्स टू अ ब्रिटिश खाकी एंड अ जर्मन ग्रे। ब्रिटिश खाकी एंड जर्मन ग्रे रेफर टू द यूनिफॉर्म वर्न बाय ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर रेस्पेक्टिवली। तो क्या है लाइक अगर हम बात करें ब्रिटिश खाकी जो कि हमें जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश होते हैं और जर्मन ग्रे बोलते हैं वो जर्मन सोल्जर्स के लिए मतलब यूज की जाती है मतलब जो है वो ग्रे कलर पहनते हैं वो लोग खाकी पहनते हैं। खाकी से ज्यादा ब्रिटिश जो है खाकी को इंपॉर्टेंस देते थे इसीलिए आज भी हमारी पुलिस जो है खाकी पहनती है। उन्होंने खाकी जो रंग दिया गया है वो किससे दिया गया वो हमारे ब्रिटिश की साइड से ही मिला हुआ है। How did many of the Germans know English? So many of the Germans knew English because they had learned it in it school. See, Amara describe the gift action by the two sides. The two side action gifts such as the cigarette, food and souvenirs from their respective countries. And D, Amara, ho jayega, what did the old German soldier ask the speaker as they were leaving? The old German soldier asked Tom if he would visit his home in the Saxony and if he could find his family there. फिर हमसे आता है आंसर डिटेल के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वर द टू साइड्स नॉट फाइटिंग सीरियसली। The two sides were not fighting seriously because it was Christmas Eve and both the British and German soldiers were feeling homesick and nostalgic for their family. They were tired of the continued fighting and were looking for a break from the violence. Second question hai mara, which fear loomed constantly over them? The fear of death loomed constantly over them. They were aware that a sudden attack from either side could happen at any moment and they could be killed. थर्ड हमारा क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट द कंडीशन ऑन द बैटलफील्ड वर टेरिबल। द कंडीशन ऑन द बैटलफील्ड वर टेरिबल बिकॉज देयर वाज मड एवरीवेयर एंड द सोल्जर्स हैड टू लिव इन द ट्रेंचेस दैट वर फिल्ड विद रैट्स एंड लाइस एंड वेदर वाज कोल्ड एंड दे हैड टू एंड्योर द बिटर कोल्ड विदाउट प्रॉपर क्लॉथिंग। एंड फोर्थ हमारा व्हाट डिड द ब्रिटिश सोल्जर्स फील अबाउट देयर अदर साइड। द ब्रिटिश सोल्जर्स फेल्ट दैट The other side was not different from them. They saw the Germans as human beings like themselves. They were fighting a war that they did not start. Then our fifth question is, what did the officers on both sides decide? The officers on both sides decided to stop the fighting for a few hours and celebrate Christmas together. They agreed not to fire each other and exchange gifts.
sings carols and enjoy a friendly football match. Sixth, they want to describe the interaction between the British and General Soldier. So, interaction between British and General Soldier was the heartwarming. They sang Christmas carols together, actions, gift and played football. They shared stories about their families and home and even gave each other a tour of their trenches. They shocked and hugged each other and promised to meet again in the next day. Seventh, what idea does the Tom express at the end of the letter? At the end of the letter, Tom expressed the idea that the Christmas truce was a sign or that peace was possible between two sides. He believes that the soldiers should take charge and put an end to the fighting. डी हमारा हो जाता है थिंक एंड आंसर्स व्हाई डिड टॉम फील कंप्लीट टू राइट हिज सिस्टर अबाउट द क्रिसमस ईव तो यहां हो जाएगा टॉम फेल कंप्लीट टू राइट हिज सिस्टर अबाउट द क्रिसमस ईव बिकॉज़ ही हैड विटनेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट दैट ही felt needed to be shared with his family. He had experienced a brief moment of peace and the camaraderie with enemy soldiers, which was unaccepted given a violent and virtual nature of war. Second question is, do you think there is a conflict going on in the Tom's mind? Give reason for your answer. Yes. There may be a conflict going on in Tom's mind. On the one hand, he is a soldier who has been trained to fight and kill the enemy. On the other hand, he was just experienced a movement of a humanity and the brotherhood with the same enemy soldier he is supposed to fight against. This may create conflict, emotion and the thought within him, especially since he knows that he may be resume fighting them in the near future. Third, the letter is a chatty one which ends on a reflective note. Do you know why do you think it does so? The letter ends to a reflective note because Tom had just witnessed a remarkable event that has left him with mixed emotion. He is happy that he was able to experience a moment, a piece of friendship with the enemy soldier, but he is also saddened by the fact that they will soon have to resume fighting each other. The reflecting tone of the letter suggests that Tom is completing a larger implication of this brief movement and peace without movement means are for the future. उसके बाद नो योर वैल्यूज में हमसे क्वेश्चन पूछा गया इन द स्टोरी वी सी हाउ अ क्रिसमस ट्रूस ब्रिंग ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स टुगेदर एज दे सेलिब्रेट क्रिसमस इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा नोट लिखना है तो द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द पावर ऑफ द कनेक्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल इवन इन द टाइम्स ऑफ वॉर इट शोज दैट डिस्पाइट बीइंग ऑफ अ अपोजिंग साइड द सोल्जर्स वर एबल टू put their differences aside and come together to the share in the joy of the holiday season. The story also emphasizes the importance of empathy and compassion towards the regardless of their nationality and beliefs. Ultimately, it reminds us that we all share a common humanity and that we should strive to find common ground to work toward peace and understanding in all situations. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और आपसे बदलने का समय आता है बट अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो क्योंकि ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा और इससे जो है बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिल जाता है आपके लिए कुछ और जो है अलग इवेंट करने के लिए अच्छा आपकी ये पर्टिकुलर बुक आपकी कंप्लीट होने वाली है आपकी मतलब कंप्लीट हो ही गई है एक तरह से आपकी ग्रामर में कौन सी बुक चल रही है मुझे बता दो ना अभी मैं आपके लिए और भी जो ग्रामेटिकल आपके चैप्टर हैं आपकी आपकी साइंस में आपकी एसएसटी में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप केवल बुक का नाम या उसका केवल जो है फ्रंट पेज जो है फोटो करके हमें मेल कर सकते हो और हमें बता सकते हो आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको यहीं के ही मिल जाएंगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू